मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? पिछली वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आई होगी, आशा करता हूँ ऐसा। यार पक्का नहीं कह रहा, लेकिन यार प्लीज अगर पसंद आई है ना तो उसे लाइक करो, नहीं आए तो डिसलाइक करो, कुछ तो करो उस वीडियो पे। और यदि आपको पसंद आई है तो उसे इतना फैला दो कि वो वायरल बन जाए। लेकिन दोस्तों आज हम अपनी पुरानी वीडियो पे बात नहीं कर रहे हैं, आज हम बात कर रहे हैं एक नए टॉपिक पे, ट्रेंड। 2020 से पहले ये शब्द बहुत ही कम सुना जाता था, लेकिन 2020 में ये इतना वायरल हो रहा है कि सड़क 2 के ट्रेलर पर भी इतने डिसलाइक नहीं आ रहे। अरे छोड़ो यार। वेल दोस्तों, आज हम जिस पे मैं बात कर रहे हैं उसी में से एक ट्रेंड है ये। जी हाँ, हम इसी पे बात कर रहे हैं। इस ट्रेंड के बारे में तो न्यूज चैनल भी इतनी सीरियस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं, नहीं देखा आपने? देखो यार, कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी, तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? छोटी बहू कहती है ये राशि बेनती, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खा ली। बड़े मजे हम भी तो लेंगे। लेकिन भाई मानना पड़ेगा 2020 में ये सबसे बिगेस्ट ट्रेंड है। अब भाई ये मत कहना कि विनोद क्या था, मुझे नहीं पता विनोद क्या था, लेकिन ये ट्रेंड बिगेस्ट इसलिए है क्योंकि खुद कोकिला मोदी जी ने यशराज को कॉल करके बताया है कि भाई रसोड़े में कौन था। और राशि ने भी अपने इंस्टाग्राम पे ये मान लिया है कि हाँ उसी ने ही कुकर में से चने निकालकर खाली कुकर गैस पे चढ़ाया था। अब भाई इससे बड़ी बात क्या होगी इस दुनिया में आज के टाइम पे, मुझे नहीं पता, आपको पता तो कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन भाई एक बात तो पक्की है, साला मैं तो ना बुरी तरीके से इरिटेट हो चुका हूँ इस गाने से, और 100% कह सकता हूँ कि आप लोग भी इस गाने से इरिटेट हो चुके होंगे। साला एक बार इस गाने को सुन लो ना तो दिन भर बस दिमाग में यही चलता रहता है। सोते टाइम, जागते टाइम, नहाते टाइम, बैठते टाइम, खाना खाते टाइम, यहाँ तक कि साला हंसते टाइम भी इस गाने ने ना दिमाग की दही कर रखी है। भाई मेरी जिंदगी तो इतनी खराब कर दी इस गाने ने, क्या बताऊ। लेकिन इससे पहले जो मस्त था ना लाइफ में, मस्त ढिंचा के एकदम गानों पे मैं नाच रहा था। अब भाई जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है कि वाइफ को लगता है कि साला राशि कोई मेरी गर्लफ्रेंड है। मेरी गर्लफ्रेंड राशि क्यों होगी भाई? और भाई इसी बीच में सबसे बड़ी खबर निकल के ये आई है कि लोग बोल रहे वी वॉन्ट साथिया पार्ट 2। सालो चुप करो, और कितना देखोगे तुम लोगों ने 7 साल में 700 करोड़ बार उस गोपी बहू को मारने की कोशिश की थी, इसी वजह से बेचारी वो शो छोड़कर भाग गई। कभी तुमने उसको नदी में डुबोया, कभी तुमने उसको पहाड़ से साला नीचे फेंक दिया, कभी तुमने उसको गोली से उड़ा दिया, तो कभी तुमने उसको कार के नीचे कुचल दिया। भैंचों जैसे कौन करता है बे? भाई अब तो कोकिला आंटी भी ना परेशान हो चुकी है, थक चुकी है अपनी गोपी बहू पर इतने सारे जुल्म ढा ढा के। और सबसे बड़ी बात, कोकिला आंटी ना बस उसी को इज्जत उसी से बात करती है जो उनके बराबर हो या उनसे बड़ा हो। बड़े की तो पता नहीं, बराबर का तो आज तक उनकी निगाहों में कोई है ही नहीं। नहीं कोकिला, मोटा भाभी, दूसरों के मामले में टांग अड़ाने से पहले अपनी गिरबान में झांक कर देखिए। ले जाइए अपनी बहू को, बेलगाम बहू की लगाम कसिए। और भाई भिगो के ताने तो साली ऐसे मारती है जैसे मेरे पड़ोस की अंटियां। यार अंटिया कुछ कहना मत यार। क्या हुआ, फोन कैसे कट गया? वो क्या है ना कि फोन जहां लगाया जाता है ना, तो उनको भी बोलने का मौका दीजिए कि कौन है वो। वेवाण जी, 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 जी जैसे कृष्णा। अरे आप क्यों मेरे घर में? मैं नहीं हो सकती, या फिर आपको मुझसे बात नहीं करनी है? भाई ऐसी औरत से कौन बात करना चाहेगा, आप करना चाहोगे? हे भगवान, कभी ऐसे रिश्तेदार बनती हो। मणि,
जी नानी भाभी। तब फोड़ैया दौड़। भाई अपनी बहू को गुलामों की तरह रखना इन जैसी अंडियों की ना हॉबी होती है हॉबी। और अपने रिज्यूमे में ये इस हॉबी वाले सेक्शन में जरूर लिखती है कि बहू को गुलाम बना के रखना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई केबल चलाने की? किससे पूछ के तुमने ये किया है? जवाब आपो गोपी वाओ, जवाब आपो। और ये आंटी ना अपनी आंखों को दिखा दिखा के साला ऐसे डराती है जैसे आशीष चंचलानी ने अपने स्टूडेंट को भी डराता नहीं है कि देखो यार। ए वो क्या कर रही हो? मैंने तुमसे साफ साफ एक छोटा सा सवाल पूछा है और मैं चाहती हूँ कि तुम उसका सच सच जवाब दो। और भाई आपको तो पता है ना कि राशि इसकी खुद की अपनी बहू भी नहीं है, उसके बाद भी इसके पीछे ऐसे पड़ी होती है जैसे आप देखो। राशि ये खीर है? इतनी पतली खीर? ये तो पानी है पानी। अब भाई आप तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब साला ये राशि को निचोड़ती तो अपनी बहू का क्या हाल करती होगी। सही कहा ना? हुआ क्या? इतना क्यों रो रही हो? मैंने तुम्हें मारा पीटा, तुम पर हाथ उठाया नहीं ना, तो फिर क्यों बाल्टी भर भर के टसुए बहा रही है? भाई इन सब में ना सबसे बड़ी बात तो ये है कि साला एपिसोड बल्कि सीरियल को खत्म हुए 3 साल हो गए लेकिन आज भी इसके जो स्टार है ना वो इसकी तारीफें करे बिना मान ही नहीं रहे। नहीं पता, देखो यार। साथिया चलने का बहुत बड़ा रीजन इज आवर कंटेंट क्रिएटर्स बिकॉज़ दे हैड सच अमेजिंग न्यू एंड वेरी फास्ट मूविंग स्टोरी यू नो, सो हमेशा कुछ ना कुछ नया होता था। हेलो हेलो राशि, सुन बहन सुन, क्या बोल रही है साला? फास्ट फॉरवर्ड के नाम पे ना तुम लोगों ने तीन एपिसोड साले इसी बात पे निकाल देती कि रसोड़े में कौन था। और पता है लोगों को तो ये लग रहा था कि अब तो भाई सीआईडी की एंट्री होने वाली है। आधे उबले हुए चने, लेकिन किसी ने चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर रख दिया, पर किसने? हर एपिसोड में ना ये साले इत्तु सी बात पकड़ के बैठ जाते थे इत्तु सी, और उसी पर ही 3-4 एपिसोड तो ऐसे निकाल देते थे कभी कि चने की दाल किसने बनाई, ये उड़द की दाल में पानी किसने डाला, ये भिगोई किसने थी, और साला पखाने में कौन था। मैंने दरवाजे पर कड़ी लगाई थी, किसने खोली कड़ी? गोपी किसकी इजाजत से तू यहाँ आई? देखा भाई अमेजिंग न्यू और वेरी फास्ट फॉरवर्ड स्टोरी यू नो। या आई नो, पर भाई सबसे बड़ा रीजन ये ट्रेंड ना मुझे कतई पसंद नहीं है। क्या नहीं है? कतई पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि साला इतना टैलेंटेड आदमी वायरल हुआ तो इससे नहीं। नहीं भाई, और भी गाने वायरल हुए थे देखो यार। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई है तो डिसलाइक कीजिए, यार कुछ तो कीजिए, ऐसे मत जाइए। और हाँ, यदि आपको किसी ट्रेंडिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी फरमाइश पूरी करूं। ऐसी ही और अच्छी वीडियो के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ मैं आपसे मिलता रहूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।